हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज फिर से आपका अपना चैनल मेरा स्कूल लेकर आया है आपके लिए एक और नया वीडियो। और ये वीडियो है EVS का NCERT क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3, वाटर ओ वाटर। तो आप जरा ध्यान कीजिए बच्चों, सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा, अब आप ये सोचिए कि उसमें से कितने काम में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे कामों में पड़ती है, वेरी गुड। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और किस किस चीज में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज बच्चों हम एक पोयम पढ़ेंगे, किसके ऊपर? वॉटर। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, टिप 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 वॉटर। आइए, आप भी मेरे पीछे पीछे इस पोयम को रिपीट कीजिए। I will wash my face with water, said Munna to his nani. तो इसका मतलब है बच्चों, मुन्ना कहता है अपनी नानी से, नानी मैं अपना फेस जो है वो वाटर से धोऊंगा, यानी कि वॉश करूंगा। आप सब भी अपना फेस वॉश करते होंगे ना पानी से, वेरी गुड। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Repeat कीजिए मेरे साथ. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि हम अपनी प्यास जो है किससे बुझाते हैं? पानी से। अच्छा बच्चों, अगर पानी ना हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि वी आर ऑल अलाइव, यानी कि हम सब जिंदा हैं पानी के कारण। आइए आगे पढ़ते हैं। वॉटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस। एजेस समझते हैं बच्चों? कई सालों से, बहुत पुराने टाइम से पानी हमारे साथ कई एजेस से है, कई जमानों से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। आइए दोबारा रिपीट कीजिए। वॉटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। तो बच्चों इसमें कहते हैं कि पानी हमारे साथ कई जमानों से है और पानी की कहानी तो इतनी लंबी है कि उसमें बहुत सारे पेज भरे जा सकते हैं, है ना मजेदार? आइए, somewhere it is dew, somewhere it is snow. दोबारा बोलिए बच्चों, somewhere it is dew, somewhere it is snow. अब आप सोच रहे होंगे कि dew क्या होता है और स्नो क्या होता है। ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो कहीं पे ड्यू है तो कहीं पे स्नो है। तो आइए आप भी जानना चाहते हैं मेरे साथ कि ड्यू क्या होता है। आइए ये देखिए बच्चों, ड्यू क्या दिख रहा है आपको? पत्तियों पे जो पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर जाती हैं उसको क्या कहते हैं? ड्यू। तो बच्चों कहीं पे पानी आपको ड्यू के रूप में दिखता है। और ये देखिए बच्चों, ये जो दूसरी पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, इसमें देखिए पानी, पानी तो नहीं दिख रहा आपको, तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बर्फ। पर आपको तो पता ही है कि बर्फ किससे बनती है। अगर हम बर्फ को थोड़ी देर के लिए गैस पे या कहीं पे गर्मी की जगह पे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पानी। तो बच्चों ये कह रहे हैं कहीं पे पानी ड्यू की जगह पे है तो कहीं पे स्नो की तरह है, यानी कि बर्फ की तरह है।
आगे बढ़ते हैं। स्टीम, स्टीम कितने बच्चों को पता है स्टीम क्या होता है? स्टीम इज ऑल्सो वॉटर एज यू नो। वॉटर हैज फॉर्म सो मैनी। दोबारा बोलो बच्चों, स्टीम इज ऑल्सो वॉटर एज यू नो। वॉटर हैज फॉर्म सो मैनी। तो ये कह रहे हैं बच्चों कि स्टीम यानी कि भाप, भाप तो आप सभी जानते होंगे ना, कभी कभी हमें जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम स्टीम लेते हैं, पता ही है ना बच्चों आपको। हाँ, तो कह रहे हैं पानी की तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, यानी कि पानी जो है वो अलग अलग तरीके में हमें मिलता है। आइए हम देखते हैं कैसे होता है पानी अलग अलग तरीके में और स्टीम क्या होती है। ये देखो बच्चों, जब भी हम ऐसे पानी को गर्म करते हैं तो ऐसे देखो ऊपर से भाप निकलती है ना, भाप, उसी को हम स्टीम कहते हैं। तो बच्चों जो ये भाप निकलती है ये क्या होता है, ये भी पानी ही होता है। आप कभी बहुत दूर, भाप से बहुत दूर ऊपर थोड़ा सा रखना और महसूस करना, जहाँ पे आपको गर्म ना लगे वहाँ पे महसूस करना कि थोड़ी देर में पानी आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पे पानी आ गया है। तो बच्चों ये कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है ना, ये पानी है, ये बर्फ है और ये स्टीम है। तो क्या है ही? पर है तो तीनों ही पानी, इसीलिए कहा गया है कि वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बर्फ भी पानी है, स्टीम भी पानी है और पानी तो पानी है ही। तो आइए That is what says my nani। वो कह रहा है कि यही मेरी नानी कहती है कि पानी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। The river flow, the waterfall sing। दोबारा बोलो बच्चों। That is what says my nani। The river flow, the waterfall sing। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी कैसे गाना गा सकता है? आपको भी सोच के हंसी आ रही है ना बच्चों कि बहता हुआ जो वॉटरफॉल है वो कैसे गाना गा सकता है। तो आइए हम एक बार देखते हैं वॉटरफॉल। ये देखो बच्चों, इतना ऊंचाई से पानी गिरता है, लेकिन जब इतना ऊंचाई से पानी गिरता है तो थोड़ी बहुत आवाज तो होती ही होगी ना। तो उसी को कह रहे हैं बच्चों कि जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि पानी गाना गा रहा है। आइए, मजा आ रहा है ना पोयम में? तो बोलिए मेरे साथ, एंड वॉटर स्विल्स इन लेक एंड स्प्रिंग्स, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज बॉर्न। तो कह रहे हैं बच्चों कि पानी जो है वो लेक्स और स्प्रिंग में भी बहता है और लाइफ जो है यानी कि जीवन जो है बच्चों वो पृथ्वी पर किसकी वजह से है? पानी की वजह से है। आपने लेक्स एंड स्प्रिंग देखे हैं? आइए एक बार हम देखते हैं। ये देखो बच्चों, इतने बड़े बड़े लेक होते हैं जिसमें पानी होता है। आइए अच्छा देखो, अब बात हो रही है वॉटर्ड फील्ड। वॉटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट, बट व्हेन द वॉटर ब्रेक्स इन फ्लड्स। अब देखो बच्चों, यहाँ है खतरे की घंटी। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि पानी जीवन देता है, पर क्या आपको ये पता है कि पानी जीवन ले भी लेता है? नहीं पता? तो देखो बच्चों, इसमें बोल रहे हैं कि वॉटर्ड फील्ड यानी कि जो खेत होते हैं, जब उसमें हम लोग पानी देते हैं तो वो क्या लेके आते हैं? नया जीवन, क्योंकि खेतों में पानी देने से फसल अच्छी होती है, फसल उगती है, तो उससे जीवन मिलता है, लोग खाते हैं ना। फिर आप सब्जी खाते हो, कैसे आती है वो? फसलों से आती है। लेकिन वो कह रहा है बट व्हेन द वॉटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, जब पानी जो है वो फ्लड के रूप में आता है। फ्लड मतलब होता है बच्चों बाढ़। आइए एक बार हम देखें बाढ़ कैसी होती है।
ये देखो बच्चों, पहला है हमारी वॉटर्ड फील्ड, यानी कि जहाँ पे खेतों में पानी दिया गया है तो जीवन, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी फसल हो रही है तो जीवन मिल रहा है फसलों को। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे इतना ज्यादा पानी आ गया है जिसकी वजह से सब कुछ ही डूब गया है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये कैसे होता है फ्लड? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और सारी नदियां भर जाती हैं, तो नदियों में से पानी ऊपर आने लगता है, और जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो पानी घरों में और रिहायशी इलाकों में भरने लगता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे नुकसान होता है, बहुत सारे घर डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। तो पानी जो है बच्चों, उसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा, एक और नई चीज आपको बताती हूँ, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा आ जाता है वो तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता वो क्या, वहाँ क्या आता है? तो बच्चों उसको कहते हैं सूखा पड़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। तो जब सूखा पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉट आ गया, यानी कि सूखा पड़ गया है, पानी की कमी हो गई है, तो वहां पे जीवन ही नहीं होता, यानी कि वहां पे फसल नहीं उगा सकते, वहां पे लोग रह नहीं सकते, क्योंकि लोगों तो पीने के लिए पानी चाहिए। तो दोनों ही चीजें गंदी हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए वो भी खराब है हमारे लिए, और बिल्कुल पानी ना होना वो भी खराब है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है, बट वेन द वॉटर ब्रेक्स इन फ्लड, जब पानी बाढ़ के रूप में आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वाज, कह रहा है कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्योंकि अभी हमने बात की ना बच्चों कि बाढ़ के आ जाने से बहुत सारा नुकसान होता है। तो आपको बहुत सारा मजा आया ये वाली पोयम पढ़ के? वेरी गुड। तो आइए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक मजेदार एक्टिविटीज। तो बच्चों आप भी अपनी पुस्तक को खोल के बैठिए और हमारे साथ साथ ये एक्टिविटी करिए, आप सबको भी बहुत मजा आएगा और साथ ही साथ आपका काम भी हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें पूछा है टिक टिक करना है आपको ऐसे, द एक्टिविटीज फॉर विच वॉटर इज नीडेड, जिसके लिए एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आपको पानी चाहिए, उन एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, टिक का साइन लगाना है। ठीक है बच्चों, चलो टू प्ले, क्या आपको खेलने के लिए पानी चाहिए? अगर आप कोई पानी वाला खेल नहीं खेल रहे हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं तो आपको क्या उसके लिए पानी चाहिए? नहीं बच्चों, तो फिर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, टू राइट, क्या आपको लिखने के लिए, अभी आप पुस्तक में अपने अपने ये लिख रहे हो एक्टिविटी में, तो क्या आपको इसके लिए पानी चाहिए? नहीं चाहिए, तो इसमें भी हम टिक नहीं लगाएंगे। टू रन अ फैन, पंखे को चलाने के लिए आपको पानी चाहिए? नहीं चाहिए, तो हम इसमें भी टिक नहीं करेंगे। टू सिंग, अगर मैं आपको बोलूं बच्चों मुझे ये गाना गा के सुनाओ, आपको पानी चाहिए? नहीं चाहिए। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए, आप में से चाय कोई बिना पानी से बना सकता है? नहीं। हाँ, वैसे तो हम दूध वाली चाय बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाय को देखें तो हमें उसमें पानी तो चाहिए ही, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों कि हम पहले पानी डालते हैं फिर दूध डालते हैं। तो यस, हमें चाय के लिए पानी चाहिए। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए, अब बताओ क्या आप जो कलर हैं उसमें बिना पानी डाले आप पेंट कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा पानी तो उसमें चाहिए ही होता है ना हमें। तो यस, और जब हम लोग पेंट कर लेते हैं तब भी हमें ब्रश को वॉश करके रखना पड़ता है, उसके लिए भी पानी चाहिए। टू रो अ बोट, नाव चलाने के लिए चाहिए?
यस नाव तो पानी में ही चलती है। टू नीड डो, डो मतलब आटा गूंदना बच्चों, आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए। यस आज आप आपके घर में जो भी आटा गूंदता है आप उसके साथ देखना कि वो कैसे आटा गूंदता है और कितना पानी हमें लगता है डो में, आप उसको जरूर देखना। टू ग्रो प्लांट्स, क्या हमें पेड़ को उगाने के लिए पानी चाहिए? पेड़ क्या बिना पानी के उग सकते हैं? नहीं ना, तो यस जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए वैसे ही पेड़ पौधों को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो देखिए, नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच, आपको ऐसी चार एक्टिविटी बतानी है यू कैन डू विदाउट वॉटर, जो आप बिना पानी के कर सकते हो, बताओ। तो आइए लिखते हैं हम, आपके बच्चों अपने अपने आंसर भी हो सकते हैं। सिंगिंग यानी कि गाना गाने के लिए मुझे कोई भी पानी नहीं चाहिए। वॉकिंग यानी कि चलने के लिए मुझे पानी नहीं चाहिए। स्पीकिंग यानी कि बोलने के लिए भी मुझे पानी नहीं चाहिए। स्लीपिंग यानी कि सोने के लिए भी मुझे पानी नहीं चाहिए। तो ये चार एक्टिविटी हो गई ना जिसके लिए मुझे पानी नहीं चाहिए। अब आपको बच्चों चार ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो कि पानी के बिना हो ही नहीं सकती। आइए कोशिश करते हैं। तो एक है बच्चों हमारा बाथिंग यानी कि नहाना, क्या आप बिना पानी के नहा सकते हो? नहीं ना। दूसरी एक्टिविटी बताओ जल्दी जल्दी। यस ड्रिंकिंग यानी कि पानी पीना, पानी पीना आपको बिना पानी के कैसे करोगे बताओ जरा, पानी ही तो पीना है। यस फिर क्या है बच्चों, कुकिंग, क्या आपके घर में जो भी खाना बनाता है क्या वो बिना पानी के खाना बना सकता है? नहीं ना, क्योंकि हमें आटा गूंथने के लिए सब्जी बनाने के लिए पानी तो चाहिए ही। और एक और क्या है बच्चों, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए हमें पानी तो चाहिए। तो मजा आया ना एक्टिविटी में, आइए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर, ये कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको कुछ कुछ एक्टिविटी दी गई है, इन एक्टिविटी में आपको बताना है कि किस में पानी कम लगेगा किस में ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं बताना। आपको क्या करना है, जिस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पानी लगेगा वो आपको फर्स्ट नंबर पे लिखनी है, फिर फर्स्ट से जिसमें कम लगेगा वो इसमें लिखनी है, फिर इससे जिसमें कम लगेगा इसमें, फिर इससे जिसमें कम लगेगा इसमें, और लास्ट में सबसे कम वाली एक्टिविटी हमें लिखनी है। तो आइए पहले हम एक्टिविटी समझते हैं। टू बाथ यानी कि नहाने के लिए, टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस यानी कि घर साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स यानी कि खेतों में पानी देने के लिए, और टू नीड द डो मतलब कि आटा गूंथने के लिए। तो बताओ बच्चों सबसे ज्यादा पानी किसमें चाहिए हमें? यस टू वाटर द फील्ड्स, क्योंकि जब हम लोग खेतों में पानी देते हैं तो कितना सारा पानी लगता है ना, इतने बड़े बड़े खेत होते हैं वैसे भी। तो फर्स्ट में आ गया हमारा टू वाटर द फील्ड्स। अच्छा अब हमारा ये वाला तो हो गया, अब बचा टू बाथ यानी कि नहाने के लिए, पीने के लिए, घर साफ करने के लिए, या फिर आटा गूंथने के लिए। अच्छा बच्चों आप बताओ क्या हमें घर साफ करने में पानी ज्यादा लगता है या फिर आटा गूंथने में? घर साफ करने में है ना, पीने में ज्यादा लगता है कि घर साफ करने में? कितना बोतल पी लेते हैं हम, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, लेकिन घर साफ हो जाएगा क्या 4 बोतल में? नहीं होता ना। और नहाने के लिए हम तो एक ही बाल्टी से नहा लेते हैं, लेकिन घर साफ करने में तो पता नहीं कितने सारे बाल्टी पानी लग जाता है। तो इसका मतलब
दूसरे नंबर पर इसमें पानी ज्यादा लगता है, तो क्लीन द हाउस। अब बताओ बच्चों, अब बचा पीने के लिए, नहाने के लिए या फिर आटा गूंथने के लिए, अब बताओ किस में पानी ज्यादा लगता है। यस, नहाने के लिए। टू बाथ। अब तो आप अच्छे से बता सकते होंगे ना कि अब हमें आटा गूंदने में चाहिए कि पीने में, आटा गूंदने में। यस, टू नीड द डो, क्योंकि आटा तो हमें तीनों टाइम गूंदना होता है ना, सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी, और फिर लास्ट में बच्चों पीने के लिए हमें सबसे कम पानी चाहिए। मजा आया ना एक्टिविटी में, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो और भी मजेदार एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में हमें बताना है कि आपको ऐसी ऐसी जगह के लिए सर्कल करना है जहां पे आपको लगता है कि पानी मिल सकता है। तो एक तो हमें बता दिया ऑलरेडी, वाटरफॉल। वाटरफॉल में भी मैंने आपको दिखाया था ना बच्चों, उसमें पानी था ना। अब आपको ऐसी ऐसी जगह ढूंढनी है इसमें जहाँ पे पानी होता है। ढूंढो 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 ढूंढो, अरे ये देखो, ये मुझे मिली एक सी, यानी कि समुंदर। ये देखो लेक, झील। झील दिखाई थी ना अभी बच्चों, लेक एंड स्प्रिंग्स दिखाई थे ना, झील। ये देखो और बताओ। यस, रेन, यानी कि बारिश। बारिश में पानी आता है ना, देखो ये देखो रेन। और देखो साथ में ही है, ये देखो पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब में पानी होता है ना बच्चों। यस, अच्छा कुएं में भी तो पानी होता है, लेकिन ढूंढो बच्चों कुएं को इंग्लिश में, पता है ना आपको, वेल कहते हैं, WELL। ढूंढो ढूंढो वेल कहाँ लिखा है, ढूंढो 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 ढूंढो। अरे देखो देखो देखो, ये देखो यहाँ पे मिल गया, देखो ये छुपा हुआ था वेल, ये मिला। और बच्चों टैप, टैप यानी कि टूटी, टूटी में से पानी आता है ना। तो हमने सारे ढूंढ निकाले। मजा आया ना बच्चों एक्टिविटी करने में, वेरी गुड। अब एक और एक्टिविटी है बच्चों। अब इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सी अलग है। तो तैयार हैं आप सभी, आइए। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। तो सोचो बच्चों कि इसमें से कौन सा वाला अलग है सबसे, जल्दी जल्दी सोचो। देखो बच्चों, रिवर जो है यानी कि उसमें भी पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी, और स्प्रिंग्स में भी, दिखाया था ना अभी लेक एंड स्प्रिंग। लेकिन पहाड़ यानी कि माउंटेन, वहां पे पानी होता है क्या? नहीं ना। तो ये सबसे अलग है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो बाथिंग यानी कि नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोना, स्विमिंग करना, कॉम्बिंग हेयर यानी कि बाल बाना और आटा गूंथना। अब बताओ इसमें से सबसे अलग कौन सा लग रहा है। जी हाँ, आपने पहचान लिया बच्चों कि ये कॉम्बिंग हेयर है, यानी कि बाल बाना। क्यों? क्योंकि बाकी सारे कामों के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन बाल बाने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं है। आगे देखो, फिश,
डक मंकी क्रोकोडाइल टॉर्टोइस। फिश कहाँ रहती है? पानी में। डक कहाँ रहती है? पानी में। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी में। टॉर्टोइस कहाँ रहता है? पानी में। पर मंकी क्या पानी में रहता है? नहीं ना बच्चों, तो मंकी सबसे ज्यादा अलग है। तो आपको इन सबको सर्कल नहीं करना है, आपको सिर्फ मंकी को सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, इसको सर्कल करना है आपको। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो देखो बच्चों, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। कार जो है वो कहाँ चलती है? सड़क पर। बोट कहाँ चलती है? पानी में। बस सड़क पर। ट्रेन, ट्रेन भी बच्चों चलती तो जमीन पर ही है ना, पटरी पर। पटरियां कहाँ होती है? जमीन पर। बाइसिकल कहाँ चलती है? जमीन पर। तो पानी में कौन सा चलता है, वो सबसे अलग हुआ ना। यस, यानी कि बोट। बोट क्या सबसे ज्यादा अलग हुई, तो बोट को हमने सर्कल कर दिया। तो आया ना मजा इस वाली एक्टिविटी में भी? वेरी गुड। तो बच्चों, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ खेल खेल में पढ़ना चाहते हैं और अपने सारे के सारे पाठ इतने ही मजेदार तरीके से हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो मेरा स्कूल चैनल, आपका अपना स्कूल बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमें पता है बच्चों कि आप सब हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।